ये कैसा परिहास है पंडित रामकृष्णा? आप भली भांति जानते हैं कि हम ही हैं कृष्णदेव राय। नहीं, आप असली महाराज श्री कृष्णदेव राय नहीं हैं। वो हैं जो आपके पीछे खड़े हैं। एक और नया प्रपंच, इनकी उत्पाती बुद्धि का एक और नया उत्पाद। पहले कहा ये महाराज हैं, अब कह रहे हैं कि ये महाराज। अब कुछ समय पश्चात कहेंगे कि ये दोनों महाराज नहीं हैं, असली महाराज तो कोई और है। देखिए गुरुवर, महाराज तो वही हैं जो मुझसे संबोधित हैं। कैसे? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे असली महाराज ये हैं, ये नहीं? संभवतः आपने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा आप ये स्वयं जान लेते कि हमारे वास्तविक महाराज वही हैं। जहाँ इन महाराज ने अपने राज्य पर आंख उठाने वाले का सर धड़ से अलग करने के लिए तत्काल तलवार उठा ली थी, वहीं उन महाराज ने बड़ी धैर्यता से पूरी स्थिति का अवलोकन किया, स्थिति की संवेदनशीलता का अध्ययन किया, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव हानिकारक ही होता है। अब ऐसी धैर्यता, ऐसी सूझबूझ, ऐसा संयम तो केवल और केवल हमारे महाराज में ही हो सकता है ना आचार्य? पंडित रामकृष्ण आप भूल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अब इस अभिनय का क्या लाभ? हरि ओम महाशय, आप सबको सत्य बता क्यों नहीं देते कि आप हमारे वास्तविक महाराज नहीं हैं? महाराज आप चुप क्यों खड़े हैं? आप सबको बता दीजिए ना कि आप ही हमारे वास्तविक महाराज हैं। नहीं पंडित रामकृष्ण, आपके वास्तविक महाराज वो हैं, हम तो लकड़हारे भरियों हैं। आप ही महाराज हैं। वो है, आप ही हैं। हम हैं। कौन कहता है? हम कहते हैं। आप तो पहले भी कहते थे। तब बात और थी पंडित रामकृष्ण, अब यदि हम कह रहे हैं कि हम स्वयं कृष्णदेव राय है तो बस हम हैं। हमें ये प्रमाणित करने के लिए किसी साक्ष्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जानता हूं महाराज, इस तरह ये बात आपके अतिरिक्त और कौन कह सकता है? आप ही हमारे वास्तविक महाराज श्री कृष्णदेव राय हैं। हम पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? ये क्या तमाशा लगा रखा है इन माक्षे ने? पागल हो गए हमारे सलाहकार महोदय, पूर्णतः पागल। पहले कहा ये महाराज हैं, फिर कहने लगे ये महाराज हैं, अब कह रहे हैं कि ये नहीं ये महाराज हैं। अरे कहीं तो टिक कर बताइए कि हमारे वास्तविक महाराज कौन हैं? यदि ये महाराज हैं तो इन्हें धैर्यवान और संयमी क्यों सिद्ध किया आपने? आचार्य, निसंदेह एक राजा को विवेकशील और संयमी होना चाहिए, परंतु धैर्य और विवेक की भी एक सीमा होती है, और जब कोई शत्रु उस सीमा को लांघता है तो परिवार के मुखिया को अपने परिवार की रक्षा के लिए अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है, और वही आपने किया महाराज। विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय को कोई शत्रु ललकारे और उनके मुख से अग्नि बाण ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? निसंदेह आप ही हमारे वास्तविक महाराज श्री कृष्ण देव राय हैं। तो फिर ये प्रपंच किस लिए है? अब आपने हम सबको इतना सताया तो आपको थोड़ा सा सताने का अधिकार क्या इस रामा का नहीं है? महाराज को बस ये बताना चाहता था कि यदि महाराज अभिनय क्षमता में इतने दक्ष हैं तो थोड़ा बहुत अभिनय मुझे भी आता है। क्षमा करें महाराज, जरा सी अटखेली थी बस। पंडित रामकृष्णा,
सुल्तान शमशुद्दीन, हमें क्षमा करें। पंडित रामकृष्णा, अवश्य हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में हमें आप जैसी अद्भुत प्रतिभा का साथ मिला। आप हमारे लिए ईश्वरीय भेंट है पंडित रामकृष्ण, और हम इस भेंट के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। गर्व है हमें आप पर पंडित रामकृष्ण। बोलो पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। शारदा, शारदा क्या कर रही हो? कितना समय लगेगा? बहुत विलंब हो रहा है। शारदा, हे भगवान, पता नहीं इतना समय क्यों लगता है इन स्त्रियों को श्रृंगार करने में। शारदा, केवल बिंदी शेष है, कुछ क्षण और। अरे तुम्हारे श्रृंगार के कारण मुझे महाराज का रौद्र रूप देखना पड़ेगा। उठा लो। देखो, तुम्हें उठाने जितनी शक्ति नहीं है मेरे में। नहीं, अपनी पादुका उठा लो और उठा कर तैयार हो जाओ, हम बस अभी आते हैं। पादुका मैंने पहले से पहने हुए हैं, तुम शीघ्र करो। अरे क्या हुआ लामा, इतने तनाव में क्यों आ रहा है? लगता है कोई पहाड़ टूट पड़ा है। शांत हो जाओ। पहाड़ अभी टूट कर गिरा नहीं है गुंडप्पे, परंतु यदि दरबार पहुंचने में मुझे विलंब हो गया ना, तो अवश्य ये पहाड़ टूट कर मेरे कपाल पर गिरने वाला है। शारदा, बस एक क्षण, पायल पहनना बाकी, अभी आ रहे हैं। देखा देखा, अब पायल, उसके पहले बिंदी, उसके पहले वस्त्र, उसके पहले चूड़ी, इनका तो। अरे शारदा शीघ्र करो, बहुत विलंब हो रहा है। ये तुम्हारा, अभी आता। चलो, बहुत विलंब हो गया है, राज दरबार पहुंचना है। चलो 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 चलो। हमारी माला तो वहीं रह गई। अरे पहनी हुई तो है तुमने माला। अरे नहीं, हमारी नहीं, अम्मा कह रही है, अम्मा की माला वहां रह गई और माला भी कुछ अंदर। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो विलंब हो रहा है। अरे सुनो तो, अरे अम्मा अम्मा, शारदा देखा देखा, कैसे समझाए कोई इन स्त्रियों को? क्या समझाना है इनको? गुंडप्पे, दरबार में लोग महाराज को देखने आ रहे हैं, इन्हें नहीं। परंतु किसी ने सही कहा है कि एक घर में पुरुष की कोई पूछ परख नहीं होती। यदि पुरुष शेर है तो ये सवा शेर। पर एक बात तो बता लामा, कि महाराज का आज फिर से लाज मुकुट पहनने का आयोजन क्यों हो रहा है? वो तो महाराज है ना, उनके पास लाज मुकुट तो है। नहीं, वो हुआ यूं कि महाराज, आज हमने गौशालय के कक्ष की स्वच्छता और व्यवस्था का निर्णय लिया था। देखिए हमें वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। अवश्य इसके अंदर कोई बहुमूल्य वस्तु है महाराज, तो हमने सोचा महाराज के समक्ष जाकर इसे खोला जाए। ये अत्यंत बहुमूल्य तो लग रही है। हाँ हाँ महाराज, और बहुत बहुत भारी भी है महाराज। रखिए, प्यार रखिए इसे। बहुत भारी है महाराज। खोलिए इसे। जी। पगड़ी को देखकर महारानी तिरुमा लंबा की भावनाएं भी जागृत हो गई। फिर क्या हुआ? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? और आप रो क्यों रही हैं? अरे हमारे महाराज के पास इतने सुंदर हीरे जवाहरात रत्न थे और उन्हें ज्ञात ही नहीं था। ये पगड़ी हमारे दादाजी की है, बहुत समय से इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसे बहुत ढूंढा गया था परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। हमारे दादाजी की बड़ी आकांक्षा थी कि जब भी हमारा राज्य अभिषेक हो तो हम यही पगड़ी धारण करें। इसका तात्पर्य तो यही हुआ
कि ये आपके पूर्वजों की धरोहर है। आपको इसे पहनकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। फिर क्या हुआ बताना। फिर मां रुक। अरे शारदा कहाँ हो, कितनी देर लगेगी? बस एक क्षण और, कमरबंद पहनना बाकी है, अभी आ रही है। क्या हुआ? सुना नहीं, बस कमरबंद बांध रही हूँ। अरे वो नहीं, पगड़ी का क्या हुआ? हाँ महाराज भावुक हो गए और बोले हमें हमारे दादाजी के पास ले चलो। स्वर्ग में? नहीं रे पगले, कक्ष में, दादाजी के चित्र के समीप। दादाजी। महाराज आपके दादाजी तो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। नहीं महारानी जी, दादाजी हमारे जैसे नहीं, हम दादाजी के जैसे दिखते हैं। महाराज ने स्मरण तो अपने दादाजी को किया था, परंतु प्रकट हो गए उनके दादाजी के दादाजी, उनके भी पर दादाजी, अर्थात महारथी, महाविद्वान, महाप्रभु, पंडित तथाचार्य। महाराज ये पगड़ी आपके शीश पर अत्यंत सुशोभित होगी, आपकी और पूरे विजयनगर राज्य की शोभा को बढ़ा देगी। अवश्य महाराज, अवश्य। महाराज ये मात्र एक पगड़ी नहीं है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, विजयनगर का गौरव है, इस राज्य की धरोहर है, जिसे आप धारण करेंगे। करेंगे गुरुवर, अवश्य धारण करेंगे इसे हम। महाराज इस महान अवसर पर हम एक अत्यंत भव्य समारोह का आयोजन करेंगे और हम ये स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि समस्त व्यवस्थाएं व्यवस्थित और उचित हो। अद्भुत गुरुवर, उचित सुझाव है आपका। और महाराज हमारे विचार से आगामी एकादशी अत्यंत ही पवित्र और शुभ दिवस है। महाराज इस समस्त राज्य के समस्त गणमान्य नागरिकों को आपकी इस पगड़ी की शोभा निहारने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, मित्र राज्यों को निमंत्रण भेजेंगे। अवश्य भेजिए गुरुवर, अवश्य भेजिए। वो समारोह आज ही है गुंडप्पे, और हमारे घर की महान नारियां अपने श्रृंगार में मग्न हैं, अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रही हैं। हम नहीं आ रहे हैं? हम कब से सज धज के प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुत हैं, और आप हैं कि गुंडप्पा से वार्तालाप में समय व्यर्थ कर रहे हैं। अम्मा उठा लो, लाठी उठा लो। अब क्या वार्तालाप करने के लिए भी मार खानी पड़ेगी क्या अम्मा? अरे नहीं, हम अम्मा से लाठी उठा के हमारे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। आपके कारण कितना विलंब हो गया। चलिए चल गुंडप्पे। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। नई पगड़ी कहाँ है? महाराज ने तो पुरानी पगड़ी पहनी। अम्मा राज अभिषेक होना शेष है। मंत्रीवर। महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जी महाराज। आचार्य इस समारोह में पधारे सभी महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज का दिवस बड़ा ही शुभ दिवस है। आज महाराज श्री कृष्णदेव राय के राज्याभिषेक का पुनः आयोजन किया गया है। हम समस्त विजयनगर वासियों के लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। महाराज श्री कृष्णदेव राय अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को निरंतर करेंगे। ये कोई साधारण पगड़ी नहीं है, इसे धारण करने वाले राजवंश के महानायक रहे हैं। उन्हें कभी भी कोई भी किसी युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। इसे धारण करने वाला अत्यंत भाग्यशाली, समस्त वैभव से संपन्न और सुयोग्य शासक रहा है। महाराज श्री कृष्णदेव राय अपने पूर्वजों की इसी परंपरा को भविष्य की ओर ले जाने वाले। वो पगड़ी राज दरबार में सह सम्मान प्रस्तुत की जाए।
तो हम महामंत्री किमारासु जी से अनुरोध करेंगे ये पगड़ी महाराज के शीश पर सुशोभित करने का शुभ कार्य संपन्न करें। महाराज अब हम इस शुभ कार्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और जब तक हम प्रार्थना करेंगे कृपया आप सब अपने नेत्र बंद रखें। अब सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। लुप्त हो गई मंत्रीवर। महाराज आप विचलित प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? नहीं महाराज, वो हम आचार्य से पूछ रहे थे कि पगड़ी कहाँ है। पगड़ी आपके हाथ में है मंत्रीवर। नहीं महाराज, दादाजी की पगड़ी। दादाजी की पगड़ी? दादाजी की पगड़ी कहाँ है? कहाँ है पगड़ी? गुरुवार प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछ रहे हैं आप, दादाजी की पगड़ी कहाँ है हम आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ है पगड़ी गुरुवार? कहाँ गई पगड़ी? अभी तो यही थी। पगड़ी कहाँ है दादाजी की? ये पगड़ी हमारे दादाजी की है, ये पवित्र पगड़ी हमारे वंशों की है। यदि ये पगड़ी नहीं मिली तो हम क्रोधित हो जाएंगे, दंड दे देंगे आप सभी को। पगड़ी ढूंढिए। मैं ढूंढता हूँ। पगड़ी कहाँ गई? पगड़ी कहाँ गई? पगड़ी कहाँ गई? महाराज पगड़ी मिल गई। हाँ पगड़ी मिल गई महाराज। ईश्वर आप ही रक्षक हैं, धन्यवाद। आप सबने पूरा ब्रह्मांड छान मारा परंतु महाराज के सिंहासन के पीछे देखना भूल गए थे। हाँ। सिंहासन के पीछे? दादाजी की पगड़ी सिंहासन के पीछे कैसे पहुंच गए पंडित रामकृष्ण? गिर गई होगी प्रभु, हमारे आचार्य थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं। देखिए तो सही, डर के मारे उनके हाथ कैसे थरथर कांप रहे हैं। हाँ संभवतः गुरुवर से गिर गई होगी कंपन के कारण। जो हुआ से हुआ महाराज, अब हम ये समारोह प्रारंभ करें। अवश्य अवश्य आचार्य। बोलो महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज
आज के समारोह में विस्मय कर देने वाला एक अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं, और वो है पुर्तगाल के प्रसिद्ध जादूगर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.